what this document is not saying is more important than what it is saying. मैं कश्मीर से शुरू कर देता हूं. कश्मीर पे इस डॉक्यूमेंट में टोटल वर्ड्स है 113, एक पैरा, ठीक है जी. अच्छा, कश्मीर पे ये डॉक्यूमेंट क्या नहीं कह रहा है, जो कह रहा है वो आप जाके पढ़ सकते हैं, जो नहीं कह रहा वो मैं बता देता हूं. जो प्री कंडीशंस है इमरान खान साहब की के अगस्त 2019 की जो स्टेटस को है उस पे वापस जाना, यानी आर्टिकल 370 और 35A का रिवर्सल, ये प्री कंडीशंस है फॉर नॉर्मलाइजेशन विद इंडिया. अगर आपको मारगला डायलॉग याद हो 2021 का, जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये प्री कंडीशंस का जिक्र नहीं किया था फॉर नॉर्मलाइजेशन विद इंडिया, तो अब खान साहब की पोजीशन लगता है शायद वो है, क्योंकि उसका कोई जिक्र नहीं है, कोई सी प्री कंडीशन का जिक्र ही नहीं है नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में. तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या कुछ कहे बगैर खान साहब की गवर्नमेंट अब बहुत कुछ कह गई है, यानी जो कश्मीर की करंट स्टेटस को है उसको एज अ फेट अकॉम्प्ली हम इनडायरेक्टली एक्नॉलेज कर रहे हैं. अगर तो कर रहे हैं तो ये फिर तो जैसे वो कहते हैं कि जी ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी एक पैराडाइम शिफ्ट है, तो फिर तो डेफिनेटली पैराडाइम शिफ्ट है. अच्छा, वो साथ ये भी कहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट ऑफ इंटेंट है, एक अम्ब्रेला डॉक्यूमेंट है जो पाकिस्तान का स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट रिप्रेजेंट करता है. इसके पीछे एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है जिसमें इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी मौजूद है और जिसमें डिटेल्स मौजूद है. तो हो सकता है शायद ये डिटेल्स उस डॉक्यूमेंट में मौजूद हो, अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट मौजूद है तो. तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कश्मीर के ऊपर जिसको देखना पड़ेगा. इसी तरीके से अगर आप इस डॉक्यूमेंट को देखें तो फॉरेन अफेयर्स का या जो फॉरेन पॉलिसी का या जो फॉरेन रिलेशंस का सेक्शन है, उसमें अल्फाबेटिकली जिन मुल्कों का जिक्र है उनमें अफगानिस्तान है, चाइना है, इंडिया है, ईरान है. उसमें अमेरिका का कहीं जिक्र नहीं है. अमेरिका जो 70 साल से ज़्यादा से जिसके हम बहुत ही इम्पोर्टेंट लाए रहे हैं, जिससे हमारे मेजर पैक्ट है डिफेंस के, सीटो साइन किया, सेंटो साइन किया, वॉर ऑन टेरर में लाए थे, उससे पहले कोल्ड वॉर में जिसको अफगान वॉर कहा जाता है उसके अंदर थे. अमेरिका सबसे ज़्यादा हमारी एक्सपोर्ट्स आज भी वेस्ट और अमेरिका के अंदर है, वगैरह वगैरह वगैरह. अमेरिका का जिक्र जो है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का जो सेक्शन है उसमें है, यानी अमेरिका इज नॉट एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री डिस्कस्ड इन पाकिस्तान्स इंपॉर्टेंट फॉरेन रिलेशंस. तो फिर इसका क्या मतलब है? मैं सवाल रेज कर रहा हूं, आप इसका जवाब खुद अपनी तरफ से ढूंढ लीजिए. तो इसलिए मैंने कहा कि जो ये डॉक्यूमेंट नहीं कह रही वो फिर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उस चीज से जो ये डॉक्यूमेंट कह रही है. अच्छा, फिर इसकी दूसरी तरफ इसके क्लेम्स पे आ जाते हैं. ये डॉक्यूमेंट कहती है कि जी ये एक सिटीजन सेंट्रिक सिक्योरिटी अप्रोच जिसमें इकोनॉमी सेंट्रल है, इकोनॉमी इज द सेंट्रल और द स्टिकिंग पॉइंट, और ये जियो इकोनॉमिक्स को और जियो स्ट्रेटजी को बैलेंस करती है, यानी इनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं देखती, रादर ये देखती है कि जो ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है वो कॉम्प्लीमेंट्री है. तो आपने अपनी इकोनॉमिक जो पाई है उसको ब्रॉडन करना है ताकि आप अपनी डिफेंस की नीड्स को भी कैटर कर सके और अपनी इकोनॉमी को ग्रो भी करा सके, जिसमें आपका जो स्टिकिंग पॉइंट है वो है सिटीजन सेंट्रिक सिक्योरिटी अप्रोच. अच्छा, अब एक सिटीजन सेंट्रिक सिक्योरिटी अप्रोच जो डॉक्यूमेंट अडॉप्ट करता है, उसकी आयरनी यह है कि वो इदारा, वो प्लेटफॉर्म जो अवाम की उमंगों का तर्जुमान होता है और पब्लिक रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करता है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में ये डॉक्यूमेंट पेश ही नहीं हुआ, डिबेट ही नहीं हुई. जो अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी तो इनपुट ही नहीं ली गई. जब इनपुट ही नहीं ली गई तो ये किस तरह एक सिटीजन सेंट्रिक सिक्योरिटी अप्रोच का डॉक्यूमेंट है? नंबर दो, पाकिस्तान के अंदर जो कनेक्टिंग जबान है, जो कौमी जबान भी है, वो उर्दू है. तो जो सिटीजन सेंट्रिक सिक्योरिटी की डॉक्यूमेंट है वो अंग्रेजी में है. अंग्रेजी यहाँ कितने फीसद लोग समझते हैं, उर्दू में क्यों नहीं है? अब एज एन आफ्टर थाट
इसको उर्दू में भी ट्रांसलेट किया जा रहा है। तो जब आप इसको तनकीदी तौर पे बाजवा चीमा साहब देखते हैं तो इसके अंदर आपको काफ़ी सारे जो है गैप्स जो है वो नज़र आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, फिर ये सात साल से ये डॉक्यूमेंट जो है वो चल रहा था, अंडर प्रेपरेशन था, तो सात साल के बाद 40 पेज 50 पेज का डॉक्यूमेंट निकाला है। इसी तरह एक और क्लेम जो इस डॉक्यूमेंट के है कि ये फर्स्ट एवर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है, कॉम्प्रिहेंसिव फर्स्ट एवर नेशनल। अच्छा, ये फैक्चुअली करेक्ट बात नहीं है। जो पहली नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी थी वो चौधरी निसार जब इंटीरियर मिनिस्टर थे पीएमएलएन की गवर्नमेंट में, वो चौधरी निसार साहब ने दी थी, जिसको नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी 1.0 या 2014 टू 2018 कहा जाता है, और वो प्राइमरीली टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म सेंट्रिक एक डॉक्यूमेंट था, और मदरसा रिफॉर्म्स और काफ़ी चीज़ों की वो बात करती है। लेकिन फिर जब आर्मी पब्लिक स्कूल का अटैक हुआ 2014 दिसंबर वाला, उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान ने ओवर शेडो कर दिया था निस्प 1.0 को। इसी तरह निस्प 2.0 या 2019 टू 2022 या 23 बनी, जो आसन इकबाल साहब ने बनाई थी, और वो भी एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है, वो भी मौजूद है। तो ये पहली, मेरे कहने का मकसद है ये फर्स्ट एवर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं है, ये फैक्चुअली इनकर। हाँ, कॉम्प्रिहेंसिव के अगर बात की जाए तो फिर डेफिनेटली इस बात, इस क्लेम में कुछ मेरिट है, लेकिन ये पूरी फैक्चुअली करेक्ट बात नहीं है। अच्छा, जो निस्प 2.0 थी जो आसन इकबाल साहब ने बनाई थी, वो टूवर्ड्स द ट्वाइलाइट पीरियड ऑफ पीएमएलएन टेन्योर एज अ गवर्नमेंट बनाई थी, यानी आउटगोइंग गवर्नमेंट थी, और वो एक 5 साल की पॉलिसी छोड़ के जा रही थी, जो मेरा जाती ख्याल है कि उन्हें नहीं करना चाहिए था। आप छोड़ दें, आपकी अगर एक पॉलिसी इलैप्स हो गई है तो पुरानी को चलने दें, जो नई गवर्नमेंट आएगी कोई भी, जिसको पब्लिक का मैंडेट मिलता है, जो पीटीआई को मिला, तो उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए था, ये उनका डिस्क्रेशन होना चाहिए था, या नई पार्लियामेंट का डिस्क्रेशन होना चाहिए था कि वो किस किस्म की इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी या नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी चाहते हैं, उस तरह का डॉक्यूमेंट वो बना लेते। एक डॉक्यूमेंट बना के अपने इक्तदार के आखिरी महीनों में आसन इकबाल साहब ने पीटीआई को इन अवे एक नो मैंस लैंड में छोड़ दिया था, ना तो वो उसे अडॉप्ट कर सकते थे, ना वो उसे रिजेक्ट कर सकते थे। जो पीटीआई के लिए डायलेमा बन गया चीमा साहब, वो ये था कि अगर तो वो उसे अडॉप्ट करते उस निस्प 2.0 को, तो क्रिटिसिज्म आता कि जी देखें, इनसे तो कोई पॉलिसी बनती नहीं है, इन्होंने हमारा डॉक्यूमेंट अडॉप्ट कर लिया। अगर वो उसको स्क्रैप करते और अपनी डॉक्यूमेंट लाते और उनसे वो डॉक्यूमेंट अच्छा ना बनता, तो कहते देखे जी इनसे तो एक अच्छा डॉक्यूमेंट बन ही नहीं सका, हमने बेहतर पॉलिसी दी थी। अब अगर मैं निस्प 2.0 को एनएसपी के साथ कंपेयर करूं या निस्प 1.0 से भी कंपेयर करूं, तो डेफिनेटली जो पहली दो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सुपीरियर डॉक्यूमेंट्स है चीमा साहब, वो सुपीरियर पॉलिसीज है। सो पीटीआई जिस डॉक्यूमेंट के साथ आई है, उसके क्लेम्स को आप छोड़ लें, आप उसके प्योर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पे देखें, तो वो स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट है, सुपीरियर है, ये उस तरह से उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो वो जो पीटीआई के अंदर एक खौफ था, वो मेरे हिसाब से तो अब सच साबित हुआ है कि वो नो मैंस लैंड में थे, 3 साल पॉलिसी ही नहीं लाए, अपनी पॉलिसी नहीं लाए, अब जब लाए हैं। अच्छा, फिर इसमें एक पॉइंट और कॉमन है, अगर आप इसकी टाइमिंग को देखें तो पीएमएलएन ने जब बनाई तो वो पावर से निकल रहे थे, पीटीआई जब बना रही है तो टेन्योर तो उनका पूरा नहीं हुआ, लेकिन आपको पता है कि इस्लामाबाद में आजकल जो पॉलिटिकल र्यूमर्स चल रही हैं उसमें सबसे स्ट्रांग यही है कि खान साहब की गवर्नमेंट अपनी फाउंडेशन से हिल चुकी है, और आज कल हो रही है कि आज गई के कल गई, आज गई के कल गई। तो जब अब पावर का, अगर पावर इक्वेशन दोबारा हिल रही है, तो उस वक्त ये क्यों ले आए डॉक्यूमेंट? मुझे लगता है कि ये शायद बॉक्सेस को टिक कर रहे हैं, वेरियस बॉक्सेस को पीटीआई जल्दी जल्दी उजलत में टिक कर रही है। मसलन ईवीएम्स जो है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के ऊपर ये बिल्स लेके आए, इसी तरह ये डिफरेंट हाईवेज जो है उनका इफ्तिताह कर रहे हैं, हेल्थ कार्ड जारी कर रहे हैं, इसी तरह इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी भी जारी कर दी है कि शायद जब ये पावर से जाएं तो ये अवाम में जो जाके नैरेटिव बनाने की कोशिश करेंगे वो ये थे कि हमने इनिशिएटिव्स तो लॉन्च कर दिए थे, इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें टाइम चाहिए था, लेकिन हमें मौका ही नहीं दिया गया। तो ये उजलत में एक बना हुआ डॉक्यूमेंट है, मुझे लगता है, क्योंकि अगर आप उसे पढ़ें, उस डॉक्यूमेंट को अगर आप पढ़ें, क्रिटिकली पढ़ें,
और उसका कंपैरिजन करें जो बाकी डॉक्यूमेंट्स मौजूद है उससे, तो वो 7 साल का उसके अंदर वो रिगोरस काम नजर नहीं आता जो उसके अंदर रिफ्लेक्ट होना चाहिए था। तो आई थिंक इन्होंने बॉक्स को टिक किया है और ये सिर्फ एक बेस कवर करने की कोशिश है। फिर जो इसके अंदर एक चीज आखिरी पॉइंट है, आई कैन गो ऑन बट इतना काफी होगा, जो इसके अंदर चीज मिसिंग है वो ये है कि ये जितने पॉइंट्स इसके अंदर कहे गए हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन की स्ट्रेटजी इज मिसिंग। तो इट इज अ डॉक्यूमेंट विच इज फुल ऑफ प्लेटिट्यूड्स, बहुत ज्यादा इसमें आई मीन एज हार्श एज इट साउंड्स बहुत ज्यादा फ्लफ है इसमें कुछ। इसके अंदर मसलन इंडिया के साथ टॉक्स अबाउट पीस फॉर 100 years विद इंडिया, ठीक है जी। तो उसके अंदर आपने और इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा? तो अगर इंडिया के साथ पीस नहीं होगा तो इकोनॉमी कैसे चलेगी? तो इस तरह की बातें जरूर हैं। अच्छा, मैं थोड़ा इसके दूसरी तरफ आ जाता हूँ। आप अगर देखें और अगर ये बात सही है कि जो प्री कंडीशंस थी कि जी स्टेटस को प्री अगस्त 2019 पे लाए बगैर नॉर्मलाइजेशन शुरू नहीं होती इंडिया से, अगर अब आप देखें जो इंडिया की जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से बयान आ रहे हैं उन सियाचिन के, आप अगर शुरू करना चाहते हैं तो सियाचिन को डीमिलिट्राइज करने का कोई शायद चांस बन सकता है। तो इसका मतलब है कि कोई सिग्नलिंग बिहाइंड द सीन्स तो हो रही है। तो वो जो कश्मीर की पॉलिसी में प्री कंडीशंस का जिक्र नहीं है, विच इज अ डिपार्चर फ्रॉम खान साहब की पोजीशन विच वॉज इन कॉन्ट्रडिक्शन विद बाजवा साहब पोजीशन के, बाजवा साहब ने मरगला डायलॉग में कहा था कि अब शुरू करें और फिर इम्पोर्ट करनी थी शुगर और इम्पोर्ट करनी थी इफ आई एम करेक्ट तो शुगर और फर्टिलाइजर था शायद, ये पता नहीं दूसरी चीज था, कॉटन और शुगर इम्पोर्ट करनी थी लेकिन खान साहब ने उसको टॉरपीडो कर दिया था। तो शायद अब खान साहब उस पोजीशन पे वापस गए हैं बाजवा साहब वाली, और अब अगर वो जो सिग्नल्स हैं इंडिया की एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कि जी सियाचिन से बात शुरू हो सकती है, सियाचिन शुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट, तो मे बी कुछ आइस मेल्ट, मे बी मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ये मेरा एक अपना एक आइडिया है, एक अजम्पशन है, गलत हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये चीजें आगे चले, लेकिन एक सिग्नलिंग जरूर है। तो आई थिंक एक तो ये चीज है। दूसरी चीज विच आई वॉन्ट टू अप्रिशिएट वो ये है कि इन्होंने नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की अहमियत को एक्नॉलेज किया है, ठीक है, उसके अंदर इकोनॉमी को इन्होंने एक्नॉलेज किया है कि विदाउट इकोनॉमी जो गन वर्सेस द बटर की डिबेट है उसमें उन्होंने एक्नॉलेज किया है, एनवायरमेंट की चेंजेस को एक्नॉलेज किया, जेंडर सिक्योरिटी को उसके अंदर ह्यूमन सिक्योरिटी को लेके आए हैं। सो इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव इन दैट सेंस, बट उसके अंदर इंपॉर्टेंट डिटेल्स आर मिसिंग। जब तक वो लिंकेजेस नहीं आते तो वो पूरी तरीके से वो समझ नहीं आएगी। इसमें जो आखिरी बात है वो ये है कि अगर ये गवर्नमेंट लेट सपोज चली जाती है, जो कि र्यूमर्स है, एंड र्यूमर्स जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग र्यूमर्स है, विदाउट रीजन नहीं है, मिलिट्री से खान साहब के तलुकात सही नहीं है, अगर ये गवर्नमेंट चली जाती है तो फिर इस पॉलिसी का क्या फ्यूचर होगा? पहली पॉलिसी बनी उसको नेशनल एक्शन प्लान ने ओवरशैडो कर दिया, दूसरी पॉलिसी बनी गवर्नमेंट चेंज हो गई, इस गवर्नमेंट ने उस डॉक्यूमेंट को कभी टच भी नहीं किया, उसके अंदर भी काफी सारा एफर्ट था। अब अगर ये गवर्नमेंट चेंज हो जाती है और इस पॉलिसी को भी कोई टच नहीं करता तो क्या होगा? तो वो जो पॉलिटिकल बाय इन था पार्लियामेंट का, अगर पार्लियामेंट का बाय इन हो जाता तो मे बी कोई इसको अडॉप्ट करता। तो आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे एक डॉक्यूमेंट तो जरूर है चीमा साहब, क्या वो इम्प्लीमेंट होगा? अच्छा, फिर एक और जो बात है, क्या आपके पास वो एक्सपर्टीज मौजूद है, उस तरह की मैन पावर है जो इस पे बात कर सके, जो क्रिटिकली चीजों को देख सके, क्या वो विल पॉलिटिकल विल है सारे स्टेक होल्डर्स में? जब कंसेंसस ही नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो पॉलिटिकल कंसेंसस का होना था, क्योंकि याद रखिए ये एक सिर्फ एक्सटर्नल सिक्योरिटी का डॉक्यूमेंट नहीं है, हमारी एक्सटर्नल सिक्योरिटी जो है वो हैविली इंडिया सेंट्रिक है, वो हमेशा से मिलिट्री ने खुद बनाई है, उसमें पब्लिक का इनपुट उतना तो नहीं होता, इसमें इंटरनल सिक्योरिटी डोमिनेट करती है, इन अ सेंस के आप लोगों के स्टेक्स की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, ह्यूमन सिक्योरिटी, जेंडर सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, सो ऑन एंड सो फॉर्थ।
एनवायरमेंटल सिक्योरिटी, तो जब तक पब्लिक का बाय इन नहीं होता, जब तक पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स का बाय इन नहीं होता, इसकी सस्टेनेबिलिटी पे बहुत बड़ा सवाल या निशान है। तो आई थिंक ये उजलत में एक डॉक्यूमेंट बनाया गया जनाब, जिसके अंदर काफी सारे जो है वो बॉक्सेस को टिक तो जरूर किया है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिसिंग है, जिससे एक गैर संजीदगी का इम्प्रेशन डिवेलप होता है। जी चीमा साहब। नहीं बिल्कुल ठीक है, आप समझते हैं कि इसमें गैर संजीदगी है, और NISP 1 और NISP 2 जो थे वो ज्यादा बड़े और कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट थे, लेकिन आप खुद भी कह रहे हैं कि इसमें जो है वो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का जिक्र करके या उसको इम्प्रेशन उसको स्ट्रेस करके चीजें बेहतर की गई हैं। मैं आखिरी एक छोटा, क्योंकि आपने बादशाह साहब एक इंतहाई स्ट्रक्चरल इसका रिव्यू कर दिया है, और मैं नहीं चाहता कि हम ज्यादा राइट लेफ्ट हों, मैं चाहता हूं कि जो एक तो आपने कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू किया उसका बहुत शुक्रिया। एक सवाल मैं करना चाहता हूं जिसमें मैं चाहता हूं कि क्लैरिटी आ जाए और इस डिस्कशन को हम कंक्लूड भी कर लें, वो है कश्मीर। मुझे ये बताएं सर कि अच्छा एक सवाल उसमें ये भी है आपकी डिस्कशन में, आप जो कह रहे हैं कि क्योंकि 60 पेजेस वो हैं जो अभी तक रिलीज नहीं किए गए, जो हमेशा के लिए जो कॉन्फिडेंशियल रहने हैं या वो है, तो उसमें जारी बात है बहुत कुछ लिखा गया है, तो शायद आप तनकीद कर रहे हैं, ये भी तो एक पहलू हो सकता है इस हवाले से। दूसरा ये है कि क्या कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान ने, देखिए इस डॉक्यूमेंट को पढ़ते हुए लोगों को समझ लगेगी, टाइम लगेगा ट्रांसलेट होते हुए लोगों तक, शायद उर्दू में ना इसको करने की वजह यह भी हो कि लोगों को जब उर्दू की समझ लगेगी, लोग पढ़ेंगे तो लोग हुकूमत पर तनकीद ना करना शुरू कर दें। आप क्या समझते हैं कि कश्मीर के ऊपर जो है अब हुकूमत ने अपनी लाइन लेंथ बदल ली है, यानी कश्मीर जो है वो जो आपने कहा कि जी प्री जो कंडीशन थी हमारी कि अगस्त 2019 से कि जी पहले इसको रिवर्स करें फिर हम आपसे बात करेंगे, तो इट मींस कि पाकिस्तान जो है वो भारत के साथ अब कश्मीर का मसला हल किए बगैर या इसके ऊपर बात किए बगैर इकोनॉमिकली इंगेज होना चाहता है, एक तो ये मैं बात करना चाहता हूं इस हवाले से, और दूसरा इसमें बादशाह साहब यही बताइएगा व्हाट इफ अगर इंडिया ही आपको स्पेस नहीं देता तो उस वक्त क्या एक जो है वो सिचुएशन बनेगी। देखिए ना, आप इसकी कड़ियां मिलाए थोड़े जो यू नो डॉट्स को कनेक्ट करें खुद ही, तो मार्गल्ला डायलॉग 2021 है जिसमें बाजवा साहब की जो स्पीच है जिसके बाद बहुत ज्यादा एनालिसिस हुए कि इसका क्या मतलब है, लोगों ने उसको इंटरप्रेट किया, तो मार्गल्ला स्पीच के अंदर जो बाजवा साहब ने कम्प्रिहेंसिव पीस की बात की थी इन द नेबरहुड के ईस्ट और वेस्ट में, उसके अंदर उन्होंने 370/35A के रिवर्सल की बात नहीं की थी, बाजवा साहब वाज साइलेंट ऑन दैट। अब अगर आप इस डॉक्यूमेंट को देखें तो इसका जो पब्लिक वर्शन है उसमें भी साइलेंस है, तो अगर उस वक्त भी था अच्छा, इसके दरमियान जो सिर्फ इसके अंदर एक कॉन्ट्रडिक्टरी सिग्नलिंग है वो इमरान खान साहब की थी, जिसमें उन्होंने कहा था जी जब तक कश्मीर का कुछ नहीं होता तो कॉटन और शुगर इंडिया से नहीं आएगी, तो अगर इमरान खान साहब उस पोजीशन पे वापस गए हैं अब जो बाजवा साहब की थी, और अगर वो बात ठीक है कि उसमें ये जिक्र नहीं था, तो फिर देर इज अ लॉट टू लुक इनटू दैट। इसीलिए मैंने कहा जो ये डॉक्यूमेंट नहीं कह रही वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उससे जो ये डॉक्यूमेंट कह रही है, तो अगर इंडिया के साथ 100 साल के पीस का प्लान है तो वो 100 साल के पीस का प्लान जो है उसमें आप कुछ चीजों को आपको फ्रीज करना पड़ेगा ना, तो बाकी आप यू कैन इंटरप्रेट इट डिफरेंटली। आप मुझे कह सकते हैं कि हाँ अगर ये डॉक्यूमेंट प्री कंडीशंस का जिक्र नहीं कर रही तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि पाकिस्तान की पोजीशन कश्मीर पे चेंज हो गई है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान अपनी पोजीशन को कश्मीर पे क्लैरिफाई करे। इस डॉक्यूमेंट के बाद फॉरन ऑफिस से एक बयान आना चाहिए जो या ISPR से बयान आए जो क्लियर करे कश्मीर पे पोजीशन को कि आज ISPR की और पाकिस्तान के फॉरन ऑफिस की क्या पोजीशन है कश्मीर पे, क्या वो प्री कंडीशंस जो है वो होल्ड करती हैं। अगर तो प्री कंडीशंस होल्ड करती हैं तो फिर आपका जो अगला सवाल था कि व्हाट इफ इंडिया जो है वो रेसिप्रोकेट ही नहीं करता, ये जो पूरा प्लान है कि जी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो और पीस हो और 100 साल, तो अगर इंडिया रेसिप्रोकेट ही नहीं करता तो आपका तो उधर ही प्लान स्टाल है आधा, सारों से बड़ा नेबर तो आपका इंडिया है जो है साउथ एशिया का लार्जेस्ट लैंड मास इंडिया के पास है, तो ऑब्वियसली तिजारत को इंडिया डोमिनेट करता है, तो अगर आप उस तरह से क्रिटिकली इंडिया से एंगेज कर ही नहीं पाते, उनका कोई बाय नहीं होता, तो फिर आप देखें इसको, अब अगर आप जियोपॉलिटिकली थोड़ा चलाएं
तो इंडिया अमेरिका के साथ एक मेजर पार्टनर है अगेंस्ट चाइना, पाकिस्तान चाइना के बड़े करीब है, समिट फॉर डेमोक्रेसी में नहीं गया, और अब खान साहब अगले महीने शायद या इस महीने के एंड पे जो भी तारीख है चाइना विजिट भी कर रहे हैं, और अमेरिका को आपने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में रख दिया है। तो अब अगर आप ये कपलिंग करें इंडिया एंड अमेरिका, चाइना एंड पाकिस्तान, तो आपको लगता है फिर इंडिया आपके पीस प्लान पे चलेगा? हाँ, वो आपके साथ उन एरियाज पे चल लेगा शायद सिलेक्टिवली जिसपे उन्हें रिलीफ मिलता है। मसलन अगर सियाचिन की डीमिलिटराइजेशन होती है, अगर होती है, तो उसमें इंडिया का फायदा, इंडिया कैन फोकस ऑन इट्स बॉर्डर्स इन हिमालया विद चाइना एंड फोकस ऑन बिल्डिंग इट्स डिफेंसेस अगेंस्ट चाइना, या कोई और अगर तिजारत खुलती है इंडिया को या एक्सपोर्ट्स की अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो शायद वो लिमिटेड आइटम्स में खोल ले अपनी प्रायोरिटी पे। तो आई थिंक ये जो पाकिस्तान की सिग्नलिंग है इसमें कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस भी हैं कि आप जियोपॉलिटिकली जैसे मूव कर रहे हैं और जो आप अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी ला रहे हैं उसकी जो रियलिटी है और जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उसका एक मिसमैच है, तो आप जब तक वो दूर नहीं करते। अच्छा, फिर सी पैक है, सी पैक जो है वो फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस जो है वो ठप पड़ा है। तो अगर अमेरिका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आपने डाल दिया है, सी पैक आपका ठप पड़ा है, ठीक है, अफगानिस्तान जो आपका नेबरहुड है ईस्ट पे, उधर वोलाटिलिटी है, एक ह्यूमनिटेरियन क्राइसिस है, और सॉरी ईस्ट में इंडिया के साथ आपके ताल्लुक नॉर्मल नहीं है, तो आपकी इकोनॉमी वैक्यूम में तो नहीं चल सकती। चीमा साहब, जो एक एक ही पोटेंशियल अच्छा साइन है इसमें वो ये है कि वो जो टर्की ईरान पाकिस्तान की एक वो कोई ट्रेन थी, वो मेरा ख्याल है फ्री ट्रेन है, वो आई है, वो कोई एक रूट रिवाइव हुआ है, या सेंट्रल एशिया से टापी के ऊपर कोई डेवलपमेंट है, इसके अलावा क्या है? सो आई थिंक रियलिटी और एक्सपेक्टेशन का एक मिसमैच जरूर है, लेकिन आई गिव इट टू खान साहब एंड हिज गवर्नमेंट के अगर वो कहते हैं ये एक अम्ब्रेला डॉक्यूमेंट है जो स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है अबाउट पाकिस्तान, कि व्हाट पाकिस्तान वांट्स, पाकिस्तान वांट्स पीस बेस्ड ऑन इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, रीजनल इंटीग्रेशन, पीसफुल रिलेशनशिप विद ऑल इट्स नेबर्स पर्टिकुलरली इंडिया, तो ये एक अच्छा सिग्नल है, लेकिन हाउ डू यू रीच देयर वो डिटेल मिसिंग है। जी मसाब जी, बहुत शुक्रिया बासित साहब, आपने ये जो बात की है कि डिटेल, मेजर डिटेल मिसिंग है, शायद इसमें अमूमन हुकूमतें चीज़ें शेयर भी नहीं करती कि कहीं ज़्यादा ही बहस ना होनी शुरू हो जाए और लोग कंक्लूजन्स पे ना पहुंचना शुरू हो जाएं। लेकिन मैं आपकी बात से इस चीज़ पे इत्तफाक करता हूं कि पहली बात तो यह है कि जो ज़्यादातर जो सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता ये एनएसपी क्या है, और जिनको ये पता चला है उनको क्लैरिटी नहीं है, तो ये भी एक मसला है। और जनरल अवाम अगर इसका जो मेन बेनिफिशरी है नई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के, वो जनरल पब्लिक है, तो उनको ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिटरेसी रेट इतना नहीं है कि वो अंग्रेजी पढ़ सके और इसको समझ सके, और मीडिया नॉर्मली जितनी गवर्नमेंट की लाइन टो करता है वो किस तरह बता सकता है या इसको डायसेक्ट कर सकता है जिस तरह आपने एक बात ऐड कर दो। मसलन वो कहते हैं कि जी जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है या जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है वो अचीव होगी बाय सर्विस बेस्ड गवर्नेंस या सर्विस डिलीवरी पे एंड गुड गवर्नेंस पे, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं कि जितनी मिसमैनेजमेंट और बैड गवर्नेंस पीटीआई की गवर्नमेंट ने की है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतनी बैड मैनेजमेंट किसी और ने नहीं की। तो ये देखें ना, दिस इज द आयरनी कि जिन लोगों ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को बिल्कुल कोलैप्स के पास पहुंचा दिया, बैड गवर्नेंस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, मिसमैनेजमेंट की जो है नई तारीख रकम कर दी, वो अब कह रहे हैं कि वो अच्छी मैनेजमेंट करके पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है उसको किसी और लेवल पे, जिन्होंने इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी दी है वो ही अब उसकी, यानी जो जिन लोगों की वजह से बीमारी हुई वही उसकी अब दवाई भी तजवीज़ कर रहे हैं। तो वो आई मीन अगेन वाल से कि वो जो एक्सपेक्टेशन है, रिटोरिक है, और जो रियलिटी है उसका बहुत बड़ा मिसमैच है चीमा साहब। तो ठीक है, क्या लोग इसके अंदर बाय इन करेंगे, गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी क्या है, लेजिटिमेसी क्या है, पॉलिटिकल फ्यूचर क्या है, इनकी गवर्नेंस के क्रेडेंशियल्स क्या है, ये सारी बातें लोगों को पता है। तो मुझे तो ये
एक जुबानी जमा खर्च लगता है जी, जो मेरा ख्याल है कहीं जाएगा नहीं, तो एक और डॉक्यूमेंट जरूर ऐड हो गया है हमारे पास। अगर आप पाकिस्तान की जो लॉज है उनको उठा के पढ़ें, एंटी टेरर लॉ 1997, NISP 1.0, NISP 2.0, NSP, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ें। और डॉक्यूमेंट्स को बड़े अच्छे डॉक्यूमेंट्स हम बनाते हैं, बेहतरीन डॉक्यूमेंट है, बहुत ही अच्छी सारा कुछ प्लेटिट्यूड्स हैं इसमें। इम्प्लीमेंटेशन we'll see। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन पे डिपेंड करता है। और जिस तरह के बासत साहब आपने कहा कि इनके पास सिर्फ 1.5 साल रह गया है, तो किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे और अगली हुकूमत इसकी लेजिटिमेसी को मानती है या नहीं मानती है, इस डॉक्यूमेंट को क्या करती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतनी पोलराइजेशन है कि एक हुकूमत का बनाया हुआ डॉक्यूमेंट दूसरा नहीं कर रहा, दूसरे का जो है वो पहला नहीं।